सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बोया बाई M1 माइक का। सो फ्रेंड्स, आप लोग ये माइक जो है, ये माइक का बॉक्स है जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ कि आप लोगों को ये माइक खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, बजट फ्रेंडली है नहीं है, या फिर कौन सी कैटेगरी के लिए ये माइक बेस्ट रहेगा, इसके मतलब बॉक्स के साथ हम लोगों को क्या क्या मिलता है, पूरा A to Z कवर करने वाला हूँ। तो हो सके तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये बता दूं कि इस बोया भाई M1 का माइक का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, आप लोग जाके चेकआउट कर लीजिए। अगर पसंद आता है वीडियो भी और प्रोडक्ट भी तो आप लोग परचेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ कि ये माइक कौन से कैटेगरी वालों के लिए बेस्ट रहेगा, मतलब यूट्यूब चैनल के लिए तो ये है ही, कौन से कैटेगरी के लिए ये बेस्ट रहेगा तो मैं आप लोगों को बता दूं। बेसिकली ज़्यादातर जो माइक यूज़ होता है बोया का, जो कि एक छोटे यूट्यूबर भी करते हैं और बड़े यूट्यूबर भी करते हैं, वो दो माइक होता है फ्रेंड्स। एक होता है बोया भाई M1 जो कि आज मैं बात कर रहा हूँ जिसके बारे में, और एक होता है फ्रेंड्स बोया भाई MM1 जिसके बारे में मैं हो सकता है आने वाले टाइम में बात करूँ, एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊँ। अगर आप लोगों को वो वीडियो चाहिए तो आप लोग मेरे को नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं बोया भाई M1 का। तो बोया भाई M1 जो रहता है फ्रेंड्स, वो हर एक कैटेगरी में सूटेबल रहता है। सबसे पहली बात ये रहती है कि इसका जो वायर रहता है वो 6 मीटर लंबा रहता है। 6 मीटर मतलब बहुत लंबा रहता है, इतना लंबा रहता है कि आप लोग टेक्निकल वीडियोस में भी इसको यूज़ कर सकते हो। वाइंस वीडियो अगर आप लोग शूट करें तो वाइंस वीडियो में भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। अगर रोस्टिंग हो गया, गेमिंग हो गया, हर एक कैटेगरी, अगर आपका कोई सा भी कैटेगरी का चैनल है आप लोग उसमें बोया भाई M1 माइक को यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि बॉक्स में हम लोगों को क्या क्या मिलता है। ठीक है, मैंने एक वीडियो बना के रखा है। और एक बात आप लोगों को बता दूं, मैं अभी इसको नहीं खरीदा हूँ, इसको मैं 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं आज इसका रिव्यू कर रहा हूँ। तो जो भी मैं बोलूँगा वो 100% ट्रू है। तो पहले आप लोग अनबॉक्सिंग देख लीजिए, अनबॉक्सिंग मतलब पहले आप लोग ये देख लीजिए कि बोया भाई M1 के माइक के बॉक्स में हम लोगों को क्या क्या मिलता है। तो आप लोग ये वीडियो देखिए पहले। सो फ्रेंड, जब आप लोग फर्स्ट टाइम ये बॉक्स खरीदेंगे बोया भाई M1 का, तो आप लोगों को कुछ ऐसा बॉक्स मिलेगा। ठीक है, जब आप लोग फर्स्ट टाइम ये प्रोडक्ट खरीदेंगे तो ठीक आप लोगों को ये बॉक्स मिलेगा। इसके अंदर हम लोगों को कवर मिलता है, ये हम लोगों का कवर है, ये कवर मिल जाता है हम लोगों को। इसके साथ ये स्पंज मिल जाता है जो कि हम लोग माइक के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, और ये तो वेस्ट है, मतलब ये यूज़ के लिए नहीं है हमारे। और इसके अंदर हम लोगों को कुछ मैनुअल टाइप मिल जाता है, ये तो ये पढ़ने लायक रहता है। अगर आपको कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको साइड रखते हैं, बॉक्स को इसको साइड रख देते हैं। ठीक है, ये हमारा मेन है, इसी के अंदर बोया माइक रहता है हम लोगों का। तो हम लोग ओपन कर लेते हैं इसको, हम लोग इसको जैसे ही ओपन करते हैं तो ये कुछ इस तरह आता है। अभी तो मैंने इसको ऑलरेडी ओपन कर लिया था इसलिए कुछ ऐसा आ रहा है, नहीं तो ये बहुत ही अच्छे से सुलझा हुआ आता है। ठीक है, और इधर हम लोग बैटरी लगा सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे ओपन कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। सो इधर हम लोग ओपन करके इधर बैटरी लगा सकते हैं। ठीक है, तो बैटरी सिर्फ यूज़ होता है कैमरा के लिए। और इधर आप लोग देख सकते हैं, जब आप लोग मोबाइल फ़ोन में यूज़ करें तो इधर मोबाइल फ़ोन का ऑप्शन यानी स्मार्टफोन का ऑप्शन ऑन कर दीजिए, या फिर जब कैमरा में यूज़ करें तो कैमरा को ऐसा ऊपर करके कैमरा को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सिस्टम अच्छा दिखा मेरे को। और ये जो स्पंज है, ये ऐसे माइक में लगा के आप लोग, ये कॉलर पिन बोलते हैं हम लोग, इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ बॉक्स में आता है। तो अभी आप लोग ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो को आगे देखिए। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने वीडियो देखा उसमें मैंने ये चीज़ बताना भूल गया कि इसके साथ एक जो रहता है कैमरे का जैक भी मिलता है हम लोगों को, जो कि हम लोग कैमरे में यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मोबाइल का जो जैक रहता है वो 3.5 mm का रहता है, जो कैमरे का रहता है वो आई थिंक 5.5 mm का रहता है। और कवर में हम लोगों को एक बैटरी भी मिलता है। ठीक है, तो और जो बैटरी रहता है फ्रेंड्स, वो सिर्फ कैमरे के यूज़ के लिए रहता है, मतलब जब आप लोग इस माइक को कैमरे के साथ अटैच करके यूज़ करेंगे तभी ये बैटरी यूज़ होगा, नहीं तो मोबाइल के लिए इसके लिए कोई सा भी बैटरी नहीं चाहिए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने अनबॉक्सिंग भी देख लिया और ये भी मैंने बता दिया कि बॉक्स में क्या क्या आता है, तो अब मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि इसके क्या क्या प्रॉफिट है ये माइक परचेस करने के। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात ये है कि इसका जो वायर रहता है वो लंबा वायर रहता है, तो हम लोगों को वायर शॉर्टेज की प्रॉब्लम नहीं होगी।
और जो आप लोगों ने वीडियो में देखा जब मैं अनबॉक्सिंग कर रहा था, तो वो जो वीडियो का साउंड था, क्वालिटी था, वो अच्छा नहीं आ रहा होगा, क्योंकि वो मेरे मोबाइल का साउंड था। ठीक है, अभी जो आप लोग साउंड सुन रहे हैं वो बोया भाई M1 का, तो साउंड क्वालिटी भी हम लोगों को अच्छा मिल जाता है। अगर मैं प्राइस की बात करूँ फ्रेंड्स, तो प्राइस आप लोग जाके लिंक में चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि मालूम नहीं कब प्राइस ऊपर जाता है कब नीचे जाता है, लेकिन फिर भी मैं अप्रोक्स प्राइस की बात करूँ तो 1000 रुपये के अंदर आप लोगों को ये माइक मिल जाता है और अच्छा चलता है, लंबे टाइम तक चलता है। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि हम लोग माइक को यूज़ नहीं करते हैं और ऐसे ही रख देते हैं, तो रखे रखे भी माइक जो है हमारा ख़राब हो जाता है। लेकिन बोया भाई M1 में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इस माइक को रख भी देते हैं 2 महीना 4 महीना 6 महीने के लिए, तो भी ये माइक आपका वैसे ही रहता है, ख़राब नहीं होता फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, मैंने इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट बता दिए, इसका नेगेटिव पॉइंट तो कुछ है नहीं। ये छोटे यूट्यूबर के लिए, बड़े यूट्यूबर के लिए, सबके लिए काम में आता है। ऐसा नहीं है कि इसको खाली बड़े यूट्यूबर ही यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग 400-500 का माइक लेंगे तो आपका 2 महीना 3 महीना में ख़राब हो जाएगा। लेकिन पर्सनली मैं इसको बोल रहा हूँ, 1 साल से ऊपर हो गया मेरे को ये माइक परचेस किए हुए, अभी तक इसमें कुछ भी ख़राब नहीं हुआ। वैसे भी ख़राब होने वाली चीज़ कुछ भी नहीं रहती है, खाली एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि जैसे कि जो इसका वायर है वो बहुत लंबा रहता है, तो वो उलझ जाता है फ्रेंड्स। तो हम लोग अगर अच्छे से रखेंगे तो वो उलझेगा नहीं और हम लोगों का लंबे टाइम तक चलेगा। तो मेरा जो रिव्यू है, मेरा ओवरऑल जो सजेशन है आप लोगों से, वो यही है कि अगर आपका बजट है 1000 रुपये तक माइक परचेस करने का, अगर आप लोग अच्छा माइक ढूंढ रहे हैं परचेस करने के लिए अपने YouTube चैनल के लिए, तो आप लोगों के लिए बोया भाई M1 का जो माइक है वो बेस्ट माइक होने वाला है फ्रेंड्स। तो आप लोग जाके परचेस कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं फ्रेंड्स कि मैं बोया भाई M1 के बारे में भी वीडियो बनाऊँ फुल डिटेल में, तो आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो यही था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम लोग ऐसे ही अनबॉक्सिंग एंड टेक रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।